ये महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ का आकाशवाणी केंद्र है और आप सुन रहे हैं करिश्मा मैडम की आवाज में डॉट नहीं ऐसे ही, ये मुझे नहीं सुना रहा था तो मैंने इसको सुना दिया। मैडम आप ऐसे ही खाली बैठे तो नहीं बिजी है? मैं ऐसे ही खाली पूछ रहा हूँ, ये हसीना मैडम का सस्पेंशन कैंसिल हो गया है क्या? फुल एंड फाइनल हो गया क्या? नहीं आपको मदद चाहिए तो मैं कुछ करूं? तो तुम हमारा मदद करोगे? तुम कमिश्नर हो का बे? नहीं नहीं हम कमिश्नर नहीं है, लेकिन हम वो है जिनके वजह से आप जैसे हसीना मैडम जैसे एक दिन कमिश्नर बन जाते हैं, तो बिल्लू गोरे एक दिन आप भी कमिश्नर बन जाओगे तो करूं? ए बिल्लू क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? क्यों छेड़ रहे हो करिश्मा मैडम को? अरे वैसे भी वो कितनी परेशान है, दिख नहीं रहा है तुमको? अच्छा आपको कैसे पता पुष्पा जी कि आज हम परेशान हैं? तो फिर हमारे और लल्ला के उठने से पहले ही आप घर से क्यों निकल जाती है? One point. क्योंकि वो अंगद का चार्ज शीट बनाना था हमें, इसीलिए। अब कभी एक पॉइंट। हाँ हाँ सब पता है हमको। अगर अंगद की चार्जशीट समय पे फाइल नहीं की ना तो हसीना मैडम इनकी चार्जशीट फाइल कर देगी ना, इसीलिए। तीन पॉइंट, बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट। ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप आज? सब बोनस पॉइंट आपको, आप विनर है, विनर है। अरे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, क्यों हमारा गुस्सा बेचारे पे उतार रही हैं? छोड़ दीजिए, ज्यादा मत कर, चल प्रसाद ले। ओ थैंक यू। एक ले लो। अरे एक प्रसाद ले लो। ओ ऐसा, ये लो प्रसाद खाओ। आप नहीं खाएंगे प्रसाद? लीजिए ना खाइए। अरे पुष्पा जी पर ये प्रसाद किस खुशी में बांट रही हैं आप? वो हसीना मैडम का सस्पेंशन रद्द हो गया ना, इस खुशी में हम आज मंदिर गए थे भगवान को भोग लगाने। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी। वही तो, वरना ये था ना पहले के जैसा हो जाता, ना कोई आता ना कोई जाता, सब अपनी मनमानी करते रहते, सब अपनी मनमानी करते रहते। अच्छा तो आपको लगता है ये जो थाना चल रहा है ये सिर्फ मैडम सर की वजह से चल रहा है? हाँ हम तो यहाँ गिनती बढ़ाने आए हैं। और नहीं तो क्या। वैसे एक बात कहे आपको, हमको ना सोच 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 कर ही ऐसा लग रहा है, क्या कुछ नहीं सोचा होगा ना आपने, हम थाना जाके ये करेंगे वो करेंगे। आप 50% तो एकदम सही हैं, लेकिन 50% शायद कुछ भूल रही हैं। याद दिलाएं, हम अभी भी यहाँ पे आपकी सीनियर हैं। 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, और उसके लिए ना हमें मैडम सर से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये जो नौटंकी सबका चल रहा है ना ये बंद कर देना, आएंगे वापस, सब काम पे लग जाने चाहिए। पुष्पा जी टैलेंटेड हो आप, सुबह सुबह कैसे स्टार्ट हो जाती हो? अरे सुबह जल्दी घर से निकल गई थी ना वो, तो सुबह की पहली चाय कौन बनाएगा, इस मुद्दे पर हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ तो मन को अच्छा नहीं लग रहा था, अब झगड़ा हो गया मन अंदर से शांत हो गया। शुक्रिया। बदनाम चाय दे। सोशल डिस्टेंसिंग। हमारा चाय है नीम का काढ़ा है, चाय बनाना भूल गए हो क्या? इतना खराब चाय बनाए। बरखुरदार चाय खराब नहीं है, आपका मूड खराब है। ये लो, इनने ले लिया एकदम उड़ता तीर, अब देखना कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा। पिटेगा पक्का आपका। चलो हमारा अच्छा टाइम पास होगा। हाँ थोड़ी बहुत चाय तो मुझे भी खराब लगी, लेकिन मैंने बोला नहीं। पी पी वरना सरकारी खर्चे पे लेटा देंगे तुझको। बदनाम भाई पियो। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखोगे? ये चौकठा
ये बिगड़ना नहीं चाहिए, और अगर बिगड़ा ना तो ऐसा बिगाड़ेंगे कि शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है तुम्हारी मैया भी नहीं पहचान पाएगी तुमको, समझे? पी अरे यार, ये पहली पुलिस वाली है जो हमेशा टाइम पे आ जाती है। थोड़ा सा लेट आ जाती तो फिर मजा आ जाता। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये मारपीट के अलावा आपको और कुछ नहीं आता ना करिश्मा सिंह? ये तांबे के बाल वाले लोग ये हमें शराफत से कहाँ जीने देते हैं, खुद ही मार पिटाई के लिए बुलाएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम सर? आपका और मारपीट का रिश्ता ऐसा है जैसे भालू और मधुमक्खी के छत्ते का। चाहे कुछ भी हो मौका ढूंढ ही लेता है। अरे क्या कर रही है? चुप कर, चुप। हंसना बंद कर। मैंने कहा हंसना बंद कर। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी शरारती है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर जोया। इंस्पेक्टर अभी बनी नहीं हूँ, लेकिन अभी से आदत डाल रही हूँ कि नाम के पहले इंस्पेक्टर लगा लूं। तो आप बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती हैं? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है ना इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बहुत इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो? लगता का है, हम है बहुत इंटेलिजेंट। ओके, तो मेरे एक सवाल का जवाब देकर दिखाइए। अगर जवाब सही हुआ तो इंटेलिजेंट, वरना बुद्धू। बोलिए, मंजूर है? अरे पागल हो गई क्या, कुछ भी बोले जा रही है। अरे नहीं नहीं ठीक है, हाँ बिल्कुल मंजूर है, पूछो। अच्छा, ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? हैं? ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? ऐसा भी कोई चिड़िया होता है का? है, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि आप बुद्धू हैं। नहीं नहीं नहीं, सोचने तो दो हमें। अम्मा चलो हार मान लिया, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, तुम बताओ। आप कोई भी चिड़िया देख लो, सबके सर पर और पैर होते हैं। अरे हमारे चाय यार। क्या बात है जोया, आप तो बहुत होशियार हैं। हूँ ना, बन सकती हूँ ना इंस्पेक्टर? बिल्कुल। जब ये छोटी थी ना तो बचपन से यही रट लगाई थी, पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, पुलिस की बड़ी अफसर बनना चाहती है। काश ये सपना पूरा हो पाता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा इसके पैसे नहीं दिए ना आपने? जाओ ये देखिए, इससे किडनी की बीमारी। मैं गरीब हूं मैडम, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा मैं कैसे दे सकता हूं? वो तो भला हो डॉक्टर अमन साहब का, वो आज तक अपने खर्चे से हमें दवाई दिलाए चले जा रहे हैं, आखिर वो भी कब तक करेंगे सब? वैसे भी महामारी के समय में अब तो उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, डायलिसिस किए हुए भी बहुत दिन हो गए, दवाइयां भी खत्म हो गई हैं, बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही है। जब मेरी बच्ची को दर्द उठता है ना तो वो मछली की तरह तड़पती है, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। यहाँ थाना दिखाने ले आया, सोचा शायद थाना देखकर कुछ देर के लिए ही सही अपनी तकलीफ भूल जाए। पापा बाकी के पैसे। हाँ बेटा। जोया थाना देखना चाहोगी अंदर से? मैं अंदर से थाना देख सकती हूँ? सच्ची में तुम देख सकती हो? सच्ची मुच्छी। चलो हम तुम्हें ना पूरा थाना घुमाते हैं, चलो आ जाओ। आई
जोया बेटा क्या हुआ? जोया? पानी चाहिए जोया? जोया? पानी चाहिए? जोया? 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 ये डॉक्टर सही? जोया? इसे लेकर आइए, जीप निकाल के इसे हॉस्पिटल लेके चलने, जल्दी आइए। अरे कोई है? देखिए आप यही रुकिए, हम यहाँ से देख लेंगे। ओके प्लीज। फिर मैंने पेशेंट से बोला कि भाई अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, तभी तो इलाज कर पाऊंगा। पता है फिर पेशेंट क्या बोला? पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मैं खाना नहीं खाता तो मुझे भूख लग जाती है, ज्यादा काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, देर तक जागता हूँ तो मुझे बहुत नींद आ जाती है। अब आप ही बताइए कि क्या करूँ। तो पता है जोया मैंने क्या कहा? मैंने कहा रात भर धूप में बैठो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जोया तुम रेस्ट करो, हम बाद में आते हैं। मेरा पेन, अरे ये क्या है? चॉकलेट? आप में से किसी को चॉकलेट पसंद है? हाँ हमको। डॉक्टर अंकल, आप लोग मेरे साथ आइए। हाय आई एम डॉक्टर विकास। जोया के डॉक्टर डॉक्टर रमन ने मुझे जोया के केस के बारे में बताया था। डॉक्टर रमन और मैं कलीग्स हुआ करते थे। वेल अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना पेशेंट्स को बचाते बचाते खुद कोरोना का शिकार हो गए और अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। बट आई रियली फील प्राउड दैट आई वर्क विद अ ग्रेट मैन लाइक हिम, और उनके इस सैक्रिफाइस को हम सब हमेशा याद रखेंगे। पूरा देश उन्हें याद रखेगा डॉक्टर विकास, उन्हें, आपको, सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ को, सबको, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर न जाने कितनी जिंदगियां बचाई है। ये देश, ये समाज और हम सब इन्हें हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू। और जहां तक बात है जोया की, तो आप फिक्र मत कीजिए, हम, हमारा पूरा स्टाफ, हम मिलकर इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल भी जोया का टेंशन मत लेना, आप बस हमें बताइए कि करना क्या है। I really appreciate your generosity, officer. And I must say, Zoya is a very lucky girl, जिसे आप जैसे वर्दी वाले एंजल्स मिले हैं। Well, ये जोया की रिपोर्ट्स है। पिछले कई दिनों से मेडिसिन ना खाने की वजह से जोया का केस काफी बिगड़ चुका है, और अब सिर्फ मेडिसिन से बात नहीं बनेगी, हमें जोया का किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और वो भी जल्द से जल्द। मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूं डॉक्टर साहब, अगर मेरी किडनी मेरी बच्ची के काम आ सकती है तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। Well, that's great. पर उसके लिए मुझे आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, तो आप प्लीज मेरे साथ आइए। का क्या देख रही हो जोया तुम? आपके गन मुझे चाहिए। ये गन तुमको चाहिए? जोया अभी इस गन के लिए ना तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना और पुलिस ऑफिसर बन जाओगी, फिर खुद का गन होगा, फिर उसको उठाना, देखना और चलाना ऐसे बैंग 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 करके। नहीं जोया, ऐसे नहीं करते। हमारा काम मुजरिमों को सुधारना है, उन्हें खत्म करना नहीं। पुलिस फोर्स का काम है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। लेकिन अगर मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो वो जुर्म करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना जोया? उस सोच को ही तो खत्म करना है जोया, कुछ ऐसा करना है जिससे कोई भी जुर्म करने के बारे में सोचे ही नहीं। बिच्छू को जितना मर्जी गंगाजल पिला लो, अगर उसका फितरत डंक मारना है तो वो डंक ही मारेगा,
और समाज को उसके डंक से बचाने के लिए हमें वो डंक को तोड़ना पड़ेगा। जोया, लेकिन एक बिच्छू का डंक तोड़ने से सारे बिच्छुओं की नस्ल तो खत्म नहीं हो जाएगी, और वैसे भी इलाज उस डंक के अंदर के जहर का होना चाहिए, क्योंकि वही समाज को खराब करता है। जोया, सॉरी मैडम सर, लेकिन आज तक मैं कंफ्यूज हूँ आप दोनों में कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आप दोनों मिलकर प्लीज ये बच्ची को कंफ्यूज मत करो। हाँ प्लीज। अच्छा जोया बेटा, एक बात बताओ हमको, अगर तुमको कभी ऐसा मौका मिला कि तुमको इन दोनों मैडम जैसा बनना है, तो तुम कौन से मैडम की तरह बनना चाहोगी? ये वाली मैडम की तरह या फिर मैडम सर की तरह? बताओ बताओ। सत्यानाश जीते, अब तो तुमने असली बम में पलीता लगा दिया बे। लड़की का जवाब जो भी हो, धमाका तो होकर रहेगा, मजा आएगा। बताओ जोया। क्या हुआ डॉक्टर, एवरीथिंग ओके? क्या अम्मा, इनका एक किडनी ही नहीं है? जी हाँ, इनकी किडनी गायब है, और कमाल की बात तो यह है इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी किडनी गायब है। एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी किडनी निकाल ली गई और आपको पता भी नहीं चला? देखिए, हैरानी की बात ये नहीं कि इन्हें नहीं पता कि इनकी किडनी नहीं है, हैरानी की बात तो ये है इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी किडनी कब, कहां और कैसे निकली। मैं सच बोल रहा हूं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाल फिलहाल में आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे या कोई ऑपरेशन हुआ था? हॉस्पिटल तो नहीं गया, हाँ पर कुछ महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन जरूर हुआ था। तो उसके लिए तो आप हॉस्पिटल गए होगे ना? नहीं डॉक्टर साहब। नहीं मतलब, बिना हॉस्पिटल के ऑपरेशन कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, कुछ महीने पहले की बात है। डॉक्टर साहब, कुछ महीनों पहले पेट का दर्द उठा था, लोकल डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसा मेरे पास था नहीं। पता चला शहर में मेहरा साहब करके कोई बहुत बड़े आदमी है जो हम जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो मदद के लिए मैं उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे एक क्लिनिक का पता बताया और भरोसा दिलाया कि वहाँ मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और मुझे कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। मैं मेहरा साहब के बताए क्लिनिक पर पहुँचा, जहाँ वाकई बिना एक पैसा लिए मेरा ऑपरेशन किया गया और कुछ ही दिनों में मैं ठीक भी हो गया। मेरे ख्याल से मामला बिल्कुल साफ है, आप खुद ही समझ सकती है कि क्या हुआ होगा। मेहरा के बच्चे ने जानबूझ करना ऐसे हॉस्पिटल में भेजा है जहां पर अपेंडिक्स के नाम पर इनका किडनी चुरा लिया गया है। जी हाँ, और ये तो सभी जानते हैं कि इंसानी शरीर एक किडनी पर भी आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जी सकता है, इसलिए इन्हें अपनी किडनी गायब होने का पता भी नहीं चला। और यही क्यों, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे किसी ना किसी मेडिकल डिसीज के नाम पे उनकी किडनी निकाली गई होगी और उन्हें पता भी नहीं होगा। कि मैया का गंगा मैया। काम डाउन करिश्मा सिंह। डॉक्टर विकास, अब ये बताइए कि जोया का क्या होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है इतनी शॉर्ट नोटिस पे कोई डोनर मिलना, बट आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कोई डोनर मिल जाए। समय रहते ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जोया के लिए। कितनी शर्म की बात है, ये किडनी रैकेट वाले किडनी का पूरा काला बाजार चलाते हैं, हर रोज हजारों लोगों की किडनियां निकाली जाती है, बेची जाती है, लाखों करोड़ों के लेन देन होते हैं, और जब जोया जैसी गरीब मासूम को सही मायने में किडनी की जरूरत होती तो उसे वो मिलती नहीं। कैसे मिलेगी, यहां तक पहुंचने से पहले उस किडनी का सौदा हो चुका होता है। अम्मा ये तो हद हो गई, मतलब इतनी अंधेरी कर दी, मतलब किडनी ना हुई जेब में रखा बटुआ हो गया, नजर बचने की गायब।
हमारी अम्मा कहती थी बेटा कलयुग आएगा और हम पूछते थे कि कब आएगा, तब वो कहती थी जब इंसान इंसान को बेच के खाएगा ना तब आएगा। देख लो आ गया कलयुग। बेचारी बच्ची जोया। बात सिर्फ एक जोया की नहीं है पुष्पा जी, जोया जैसी ऐसी कितनी हजारों लड़कियां होंगी जो अपनी जिंदगी से जूझ रही होगी। पता नहीं कितने गरीबों का जीने का हक छीन रहे हैं ये लोग। इंसान नहीं है ये पुष्पा जी, ये दरिंदे हैं, जानवर हैं, इंसान के अंग को खाने वाले भेड़िए हैं। अगर जंगल का कानून होता ना पुष्पा जी तो सबको फाड़ के रख देते हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे हम तो कहते हैं नरक में जाए ये लोग, कीड़े पड़े इनमें, मरते समय इनको पानी तक नसीब ना हो। लेकिन यहाँ तलपने से क्या होगा पुष्पा जी, जब हम जानते हैं कि इस किडनी रैकेट के पीछे वो मेहरा का बच्चा है तो फिर मैडम सर आप हमें ऑर्डर क्यों नहीं देती है? हम अभी जाके मेहरा को लाएंगे और सारी किडनियों का हिसाब लेंगे उससे। आप जानती है मेहरा को? नहीं जानते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह, पत्थर पर सर मारने से सर पे चोट लगती है, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ बुराई तक पहुंचना काफी नहीं है, उसे सजा दिलवाना भी उतना ही जरूरी है। और ये करने के लिए पहले ये पता लगाइए कि इस बुराई के पीछे खड़ा कौन है, कितना ताकतवर है और उसे कैसे हराया जाए। आपका क्या मतलब है मैडम सर कि अगर मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी है तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं, हम मेहरा को पकड़ेंगे भी और उसे सजा भी दिलवाएंगे। विक्रम मेहरा को तो हम नहीं छोड़ेंगे। खुश्क बादलों पर पड़ी मुद्दत बाद ये बहार, नशा सा छा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। चड्डे कहिए कैसे याद किया मेरे हमनवाज? अरे नवाजुद्दीन चलो थोड़ा साइड हट के खड़े रहो, उधर उधर चलो देखो मत। संतो जी आपने बुलाया था छुछुंदर को? नहीं मैंने नहीं बुलाया। पर आप ही ने तो फोन किया था संतोष जी। मैडम सर ने मुझे कहा था कि तुम्हें फोन करके बुलाऊं। सुने सुने इन्होंने नहीं बुलाया था, मैडम सर ने कहा था इसलिए इन्होंने फोन किया था। अब तुमने ज्यादा सपने ना पाला करो अमोल पालेकर, इतने अच्छे नसीब नहीं है तुम्हारे जो जन्नत के परी के सपने देख रहे हो लंगूर की शक्ल के। ये फूल दो इधर, माही मस्जिद पर चढ़ाने काम आएंगे। अरे एक फूल दो मानी का लफड़ा चलो हो गया इधर। फिर से मुंह सड़ा लिया, मक्खी आगे बैठ जाएगी तेरे मुंह पे। अरे कितना बोलोगे बाबू कितना है? चलो बाहर का रास्ता उधर से निकलो, वहां से उधर देखो, उधर से निकलो तुम। और मैडम से इना पर्सनल लेवल पर ऐसे हमारा ना रिक्वेस्ट है आपसे, जब कभी भी आपको इसे इस कंकाल केकड़े को बुलाने का मन करे ना आप हमें ऑर्डर दीजिए प्लीज। अम्मा चीती चुप करो यार, सब धुन भूले राम धुन न भूले, तुम्हारी सुई वही अटक जाती है। मैडम सर आपने बुलाया सनी को? हाँ हमने बुलाया था, हम मेहरा के बारे में इनसे कुछ जानना चाहते हैं, तो बताओ क्या जानते हो? कौन मेहरा मैडम? विक्रम मेहरा, हाई सोसाइटी के खासा मकबूल नाम है, तुम नहीं जानते? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ, अरे ऐसा कोई है शहर में जो मेहरा साहब को नहीं जानता? मैडम बहुत बढ़िया आदमी है मेहरा साहब, He's a great man, संतोष जी, great man। अरे उन्होंने शहर के लिए क्या कुछ नहीं किया करिश्मा जी, सबसे बड़े समाज सेवी हैं उस शहर के, सब लोग उनको बहुत मानते हैं। अरे सबके छोड़िए पुष्पा जी, मैं खुद सनी चड्डा उनको कितना मानता हूँ। पर मैडम सर चक्कर क्या है, आप मेहरा साहब की इन्फॉर्मेशन क्यों निकालना चाहती हैं? अरेस्ट करना है तुम्हारे मेहरा के बच्चे को। हैं जी? हाँ जी। मेहरा साहब, आप मेहरा साहब को गिरफ्तार करने की बात कर रही हैं? किस जुर्म में मैडम, ऐसा क्या कर दिया उस भले आदमी ने? किडनी चुराने का इल्जाम है तुम्हारे इस सो कॉल्ड भले आदमी पर, किडनी रैकेट चलाता है ये महान मेहरा। इम्पॉसिबल मैडम, ही इज ऑलरेडी अ वेरी रिच गाय, इतना पैसे वाला आदमी है वो, उसको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत पुरानी कहावत है सनी महाराज, हर घर में एक कमरा कम है, हर तिजोरी में एक रुपया कम, और ये पैसा जो है ना बहुत बुरा नशा है, जितना भी हो उतना कम पड़ जाता है, समझ रहे हो? वाह क्या चुम्मेश्वरी डायलॉग मरे, तुम्हारी मैया की गंगा मैडम। मेरा वो मेरा मैं नहीं मानता करिश्मा जी, और मेरी छोड़िए शहर में कोई भी नहीं मानेगा कि मेहरा साहब जैसा आदमी भी ऐसा गैर कानूनी काम कर सकता है। He's a big name, ma'am. सोच लो। देखा आपने करिश्मा सिंह, जंग में जाने से पहले देख लेना चाहिए कि सामना किससे,
आपका क्या मतलब है मैडम सर कि अगर मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी है तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? बिल्कुल नहीं, हम मेहरा को पकड़ेंगे भी और उसे सजा भी दिलवाएंगे, लेकिन ये करने के लिए हमें पहले चाहिए उसके खिलाफ पुख्ता सबूत, ऐसे सबूत जो दुनिया की कोई अदालत नजरअंदाज ना कर पाए, ऐसे सबूत जो सामने आते ही इस शहर की आंखों पर जो मेहरा का महान इमेज का चश्मा पड़ा है ना वो उतार दे। अगर हमें ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करना है तो सबसे पहले मेहरा जैसे लोगों को एक्सपोज करना होगा, उनकी असलियत से दुनिया को वाकिफ कराना होगा। आप सबूत चाहती हैं ना मैडम सर, हम आपको सबूत लाकर देंगे। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको अंगद आचार्य की चार्जशीट फाइल करनी थी, हो गई? आप यहां रहकर अपना काम खत्म करेंगी, जो करेंगे हम करेंगे। और वैसे भी इस मिशन में होश की जरूरत है, जोश की नहीं। भैया क्या हो रहा है ये सब, किस चक्कर में आप लोग? सामूहिक आत्महत्या का प्लान है क्या मैडम सर? जो इल्जाम आप मेहरा साहब पे लगा रही है ना, अगर 1% भी प्रूव नहीं कर पाई ना तो कितना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा यहाँ पे, आपको आइडिया नहीं है? सब नपेंगे, सबके कन्ने कटेंगे, सब जाएंगे अंदर बेभाव, और बचाने के लिए कोई नहीं होगा आपके पास। आपका ये थाना, वर्दी, नौकरी सब चला जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मैडम। मत करो मत करो, चड्डे का सुनो इस बार। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बेहतर समय सामने से नहीं आता, जिंदगी को बेहतरीन बनाना पड़ता है। वाह, क्या बात! अब चाहे वर्दी रहे या ना रहे, विक्रम मेहरा को तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ हैं। चलिए, वो जो नासपिटा मेहरा है ना, उसकी बैंड बजाते हैं। हम भी आपके साथ हैं। एक्शन। संतू जी क्या हो रहा है आपको? अरे एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संतू जी, संतू जी क्या हो रहा है? पेट दुखने की एक्टिंग कर रही हूं ना मैं। अच्छा संतू जी, ऐसे अभिनय कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, पेट दर्द का नागिन डांस जाता लग रहा है इसे, मतलब। संतोष शर्मा, आप ऐसे करेंगी तो 2 मिनट में पकड़ी जाएंगी। मैडम सर, आप जानती है ना मेरा जेन्युइन वाला प्रॉब्लम है, तो कुछ झूठ बोलती हूँ या सच छुपाती हूँ तो मेरा पेट दर्द होता है, जैसे अभी हो रहा है। एक बार सच बोल दूँ, प्लीज प्लीज बोलिए। मैं कोई पेशेंट वेशेंट नहीं हूँ, मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ। हम यहाँ स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि मेहरा और उसकी पूरी टीम को रंगे हाथों पकड़ सके। सच्चाई की पुतली है आप। आई नो। अब बेटर फील हो रहा है? हल्का हल्का महसूस हो रहा है मैडम सर। थैंक यू। मामा थैंक यू की बच्ची, तुम्हारी ये जो सच की उल्टी है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख देगी। मुझे झूठ बोलना नहीं आता पुष्पा जी। क्या, औरत होकर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता? तुमने तो नाक कटवा दिया हम औरतों की। आपको आता है क्या झूठ बोलना? अम्मा के पेट से, हमारी अम्मा भी बोलती थी ना, तो इनबिल्ट है। तो फिर आप ही संतोष का रोल क्यों नहीं कर लेती? हम? हाँ हाँ, अगर आप झूठ बोलने में इतनी एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ही कर लीजिए ना संतोष का रोल। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो कर लेते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, प्लीज मैडम सर, प्लीज, ये पर्सनल लेवल का रिक्वेस्ट है, इनको एक्टिंग करने का मौका मत दीजिए। ओवर एक्टिंग का ऐसा सैलाब आएगा ना कि हम सबको बहा कर लेकर चला जाएगा, पकड़े जाएंगे। क्या मतलब? मतलब आपकी आंखें पुष्पा जी, इतनी भोली है ना आप, इतनी भोली कि चाहे आप लाख झूठ बोले लेकिन आपकी आंखें सच बयां कर ही देंगी, पकड़े जाएंगे।
कैसे पकड़े जाएंगे? हम काला चश्मा पहनकर जाएंगे ना, जब हमारी सुंदर आंखें ही नहीं दिखेंगी तो हम कैसे पकड़े जाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। एक मिनट, ये आइडिया अच्छा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मेहरा पर स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी चल रही है मैडम। चीता और पुष्पा जी गरीब लाचार बनकर मेहरा के पास जाएंगे, लगेंगी। पुष्पा जी अपने पेट दर्द के बहाने से मेहरा से मदद मांगने की कोशिश करेगी। जाहिर सी बात है कि मेहरा ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। वो पुष्पा जी को उसी हॉस्पिटल भेजने की कोशिश करेगा जहाँ जोया के पापा की किडनी निकाली गई थी। बस इसी दौरान कैसे भी करके मेहरा से कन्फेशन निकालना है और फिर, और जब वो मेहरा का बच्चा कोर्ट पहुंचेगा ना, तो आपकी ये गरीब लाचार पुष्पा जी इनको पहचानने से मना कर देगा। कन्फेशन तो छोड़ो, कन्फेशन का कोई सबूत भी नहीं बचेगा। कौन मानेगा पुलिस का बात? और कैसे प्रूफ कर दोगे उसको गुनहगार? ये पेन मैडम सर, ये पेन करेगा मेहरा साहब को गुनहगार साबित। ये देखिए मैडम, मेहरा साहब हमेशा अपने पास ठीक ऐसा ही पेन रखते हैं, तो किसी तरह उनके पेन से इस पेन को रिप्लेस कर दिया जाए तो। संतु जी सुन रही है, पेन बदलने से पकड़ेंगी। अबे ओ चीते, इस पेन में मल्टी डायमेंशनल वाला स्मार्ट हिडन कैमरा फिट है और हाई डेफिनेशन वाला शार्प माइक्रोफोन भी फिट है, जिससे एक एक बात और एक एक मूवमेंट मेहरा साहब की कैप्चर हो जाएगी और बड़ी आसानी से साबित हो जाएगा कि मेहरा साहब गुनहगार हैं या बेगुनाह। जीनियस सनी। हाय संतोष जी, आप ही को तो इंप्रेस करने के लिए सब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। साधु जी को पता है, अंग्रेजी बोले जी बोलेगा। क्या हुआ बे? हाँ कुछ नहीं। वैसे ऐसे बहुत से जीनियस आइडियाज आते रहते हैं मुझे। कोरोना के साथ साथ तुम भी बहुत फैल रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो ना। थैंक यू सनी कि तुमने हमारी बात मानकर हमारा साथ देने का फैसला लिया। वो इसलिए मैडम कि डील जो हुई है हमारी आपके साथ, और मेरी न्यूज तो बनी जाएगी दोनों सूरतों में, चाहे आप सही हो या मेरा साथ। ठीक है, देखते हैं। पुष्पा जी और चीता, आप लोग तैयार रहिए। जी मैडम सर, ऑल द बेस्ट। मैडम सर, हम कह रहे थे कि हम इनके साथ जाते हैं, कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई सुरक्षा करने के लिए भी तो चाहिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए करिश्मा सिंह, ये दूध पीते बच्चे नहीं हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हमें यहाँ थाने का ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए, इसलिए आप यहीं रहेंगी। जय हिंद करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। ये वो चार्जशीट आपने कहा था खत्म करने के लिए, जैसी खत्म होता है आपके टेबल पे आके रखते हैं। हम जानते हैं कि आप खुश नहीं हैं करिश्मा सिंह, लेकिन हमारी मंशा आपको परेशान करने की नहीं है। हम बस आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। और वैसे भी ये एक महिला पुलिस थाना है, इसकी तो नींव ही इसीलिए रखी गई थी ताकि लोग प्यार और अपनेपन पर भरोसा करना सीखें। महिला पुलिस थाना का बुनियाद ना इंसाफ के लिए रखा गया था, उन मुजलिमों को इंसाफ दिलाने के लिए जिन्हें कहीं और इंसाफ नहीं मिलता है, उन कमजोर लाचार लोगों का आवाज सुनने के लिए जिनका ये न्याय मंडली आवाज नहीं सुनता है। अगर हम भी ये प्रोटोकॉल और प्रोसीजर फॉलो करेंगे मैडम सर, तो फिर मिलिए इन मुजलिमों को इंसाफ। माफ कीजिएगा, लेकिन देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी कहलाता है। क्यों डर रहा है बेचीते? हम हैं ना। अरे इसी बात का तो डर है पुष्पा जी की, आप हैं, आपकी ओवर एक्टिंग ना मरवा ना दे। प्लीज
प्लीज समी संतुलन, अभिनय पर संतुलन पुष्पा जी। चुप कर, हमको अभिनय सिखाता है। तुम जब से पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से हम अभिनय को समर्पित हैं। जान दे सकते हैं अपनी अभिनय के लिए। हाँ, वो तो कोई ना कोई ले ही लेगा एक दिन आपका अभिनय देखकर। क्या? हम खाली इतना कह रहे हैं कि आपको आपको याद तो है ना क्या करना है। हेलो डॉक्टर विकास, मिला कोई डोनर जोया के लिए? बहुत कोशिश की हसीना जी, पर कोई डोनर नहीं मिल रहा है। And I'm really worried क्योंकि सुहा की तबीयत बहुत बिगड़ दी जा रही है। मेडिसिन दे रहे, पर दवाइयाँ भी एक हद तक ही मदद कर सकती है। आखिर दवाइयाँ भी इंसान की इंडिविजुअल पावर पर काम करती है, यहाँ तो वो भी काम करती नजर नहीं आ रही। मुझे डर है कि अगर ऐसे ही रहा तो जोया ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप जोया को यहाँ पुलिस स्टेशन ला सकते हैं। पुलिस स्टेशन किस लिए? देखिए आप हम पर भरोसा रखिए, आप बस किसी तरह जोया को यहाँ ले आइए। ओके, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। क्या यकीन नहीं हो रहा है हमें कि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने जज्बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जोया को आप हॉस्पिटल से यहाँ थाना बुलवा रही हैं, जबकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत अभी हॉस्पिटल की है, डॉक्टर की है, मेडिकल अटेंशन की है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं करिश्मा सिंह, और हम आपको सफाई देना जरूरी नहीं समझते। हमें बताना होगा, आपको हमें बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हैं आप, बताइए हमें। कैमरा वाला पेन संभाल के रखी है ना? अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड मतलब? अरे बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं, संभाल के रखी है ना? बेवकूफ हो, हम क्यों संभालेंगे, तुम संभालने वाले थे ना? इसीलिए नहीं आना था हमको, इसीलिए नहीं करना था हमको। अरे भगवान, बताइए, स्टीम ऑपरेशन करने आई है। अरे माता, देखिए देखिए ना माता, देखिए बैग में होगा। अरे हाँ, बैग में होगा, देखिए ना, ढूंढिए, मेरा आने वाला, ढूंढिए। हाँ चलिए चलिए, हो गया। मेरा सब आ गया। जय माता दी। नमस्ते मेहरा साहब। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी देर हो गई। मेहरा साहब, माँ, मेहरा साहब आ गए। माँ, मेहरा साहब आ गए? कहाँ है मेहरा साहब? माँ, हमारे हमारे माए बाप, हमारे भगवान कहाँ है मेहरा साहब? क्षमा कीजिएगा मेहरा साहब, क्या है ना कि माता जी देख नहीं सकती। माता जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमसे बड़ी हैं। अरे मुझे आपके चरण छूने चाहिए। माता जी आप आइए, बैठिए बैठिए, आप आओ। कहाँ बैठना है? बैठ। आओ माँ। अरे माँ, 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 अरे वो मेरा साहब की कुर्सी। अच्छा, इधर आओ माँ, इधर आओ, हमको माफ कीजिएगा। बैठो यहाँ पे। इतना भरकती की उधर है बैठ गई, थोड़ा काबू काबू। बेटा मेहरा साहब, हाँ हम करते हैं मेहरा साहब जी। तो आप अपनी माता जी की आंखों की रोशनी का इलाज करवाना चाहते हैं? नहीं, पेट के दर्द का। क्या है ना कि हमारी माता जी के पेट में ना इसे बहुत जोर का दर्द रहता है। साफ रखा है क्या? अरे माँ, माँ रखो ना उसको, और हम लोग ठहरे गरीब आदमी, सरकार तो बहुत गरीब आदमी, गरीब आदमी, तो हम सोचे कि अगर हम लोग आपसे सिफारिश करेंगे, आपका मदद हो जाएगा और फ्री में इलाज हो जाएगा, तो बहुत एहसान होगा आपका मेहरा साहब इसे। पर ये देखने से तो बिल्कुल ठीक लग रही है। वही तो। क्या क्या वही तो? दिखाई नहीं देता है। दर्द कौन सा दिखाई देता है, ये तो महसूस होता है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, क्या है ना कि माता जी के पेट का जो दर्द है ना, वो भी माता जी की तरह ही अंधा है। हाँ। उसको भी पता नहीं चलता है कि कब, कहाँ, कैसे और किस वक्त उठना है। उठ तो अभी भी रहा है, उठ रहा है ना माँ। हाँ।
हमारे पेट में बहुत दर्द, दवा दिया सर, हमको उठा ले भगवान, ये दर्द हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। अरे अरे पानी पिलाई माँ तो पानी हमको पानी नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या चाहिए? हमको जूस चाहिए। जूस चाहिए। तुमने तो कहा था ये देख नहीं पाती, तो इनको कैसे पता कि ट्रे में जूस रखा? वही तो। अरे क्या वही तो? अरे वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने। कौन सी कहावत? जब भगवान इंसान में एक कमी छोड़ता है तो दूसरी शक्ति देकर उस इंसान की कमी पूरी कर देता है। ठीक वैसे ही भगवान ने माँ की आंख तो छीन ली, पर दूसरी एक शक्ति दम, मतलब जिसे से नाक की शक्ति देकर, तीखे नाक की शक्ति देकर वो कमी पूरी कर दी। अरे अभी तो यहाँ पे ऐसे कर रही है, घर पे बैठे हुए 2 किलोमीटर तक सूंघ लेती है कि क्या नुक्कड़ पे बिक रहा है, गोलगप्पा बिक रहा है, पानी पूरी बिक रहा है, क्या बिक रहा है, सब जान जाती है। अब जूस तो फिर भी यहीं पे रखा हुआ था, इसीलिए सूंघ ली मेरी माँ। बहुत बहुत ध्यान रखता है मेरा बेटा। हाँ हाँ मैं समझ गया। दरअसल माता जी को पेट दर्द का इलाज कराना है जी। आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, बस अभी के अभी सारा प्रबंध कर देते हैं। ठीक है माता जी? धन्यवाद। सिर्फ हाथ पैर चलाने से केस सॉल्व नहीं होते करिश्मा सिंह, केस सॉल्व करने के लिए चाहिए एक ठहरा हुआ, सुलझा हुआ और मैच्योर माइंडसेट, जो हालात के हिसाब से फैसला ले सके, फिर चाहे इंसाफ मांगने वाला ही ना रहे। कानून कहता है कि भले ही 100 गुनेगार छूट जाएं, लेकिन कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो गुनेगार और 1000 गुना कर दे और एक बेगुना को बचाने के चक्कर में 1000 बेगुना की जान खतरे में डाल दे। ऐसा ही है करिश्मा सिंह, ऐसे ही चलता है मुल्क का निजाम, आपके इस बेवक्त और बेमतलब के जोश से नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप देश की कमियां ढूंढने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। और रहा सवाल आपके तौर तरीकों का, तो जब तक हम हैं नहीं चलने देंगे। नहीं करना हमें ऐसा काम मैडम सर, नहीं करनी ये ड्यूटी जिसमें आंखों में पट्टी बांधने को कहा जाता है। शादी हुआ नहीं है आपका, घर गृहस्थी बना नहीं है, इसलिए टाइम पास करने के लिए ना ये जज्बातों का अक्कड़ बक्कड़ खेलती रहती हैं आप। शादी हुआ होता ना फिर समझ में आता कि रिश्ते का होते, उनका जज्बात का होता और जो भावनाएं हैं वो किस चिड़िया का नाम है। हमने अब तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि फिलहाल हम देश की सेवा करना चाहते हैं। तो आपका मतलब है कि हमारा शादी हो गया है तो हमारे अंदर से देशभक्ति बिल्कुल खत्म हो गया? वो तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमें भी नहीं पता मैडम सर आपका, लेकिन एक बात जरूर है, आपकी तरह ना बनना कोई नहीं चाहेगा। बनना तो कोई आपकी तरह भी नहीं चाहता करिश्मा सिंह। गलत फहमी है मैडम सर आपका, आजकल हर बच्चा ना करिश्मा सिंह बनना चाहता है और ये जो गला हुआ सड़ा हुआ सिस्टम है ना, इसको चेंज करना चाहता है। जोया, हॉस्पिटल में तो आप जवाब दे नहीं पाई, अब बताइए आप बड़ी होकर किसके जैसा बनना चाहेंगी, हमारी तरह या करिश्मा सिंह की तरह? करिश्मा दीदी की तरह। सिंगम और दबंग टाइप। नहीं करना हमें ऐसा काम मैडम सर, नहीं करनी ये ड्यूटी जिसमें आंखों में पट्टी बांधने को कहा जाता है। शादी हुआ नहीं है आपका, घर गृहस्थी बना नहीं है, इसलिए टाइम पास करने के लिए ना ये जज्बातों का अक्कड़ बक्कड़ खेलती रहती हैं आप। वो तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमें भी नहीं पता मैडम सर आपका, लेकिन एक बात जरूर है, आपकी तरह ना बनना कोई नहीं चाहेगा। बनना तो कोई आपकी तरह भी नहीं चाहता करिश्मा सिंह। गलत फहमी है मैडम सर आपका, हाँ
सोया, हॉस्पिटल में तो आप जवाब दे नहीं पाई। अब बताइए, आप बड़ी होकर किसके जैसा बनना चाहेंगी, हमारी तरह या करिश्मा सिंह की तरह? करिश्मा दीदी की तरह, एकदम सिंघम और दबंग टाइप। सारे चोरों और गुंडों की छुट्टी कर दूंगी, सबको जेल में डाल दूंगी, तो बाहर बदमाशी करने के लिए बचेगा ही कौन? सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया ना? सच कहूं तो थोड़ा सा तो किया, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आपने कम से कम सारे गुंडे बदमाशों को जेल के अंदर डालने की बात की, बाहर ही उन्हें मारने पीटने के बारे में नहीं कहा। पुलिस फोर्स को आप जैसे ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है जोया। सही कहा मैडम सर, असल में इस पुलिस स्टेशन को हमारी नहीं, जोया जैसी ऑफिसर की जरूरत है। अब किस बात से तो हम भी इत्तेफाक रखते हैं। चलिए, आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। जोया, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगी? हाँ। तो ठीक है, आज से इस थाने की नई सब इंस्पेक्टर हैं आप। करिश्मा सिंह जी, आप इनके अंडर काम करेंगी। हो सकता है आप इनसे वो सीख जाएं जो हमसे नहीं सीख पाए। एक मिनट, फोन रखो। जय माता दी। चलिए, आपका काम हो गया। आप लोग ऐसा कीजिए, मेरे क्लिनिक चले जाइए, वहां एक पैसे खर्च नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पेट दर्द का इलाज हो जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। चलिए, जय माता दी। अरे पेन तो बदला ही नहीं, मेरा ही खिलाफ सबूत कैसे मिलेगा? माता जी। हाँ? मैंने कहा अब जा सकती है। पता? आपने हमको पता कहाँ दिया? तो हमको कैसे पता कि किस पते पे हमको जाना है? मैं ये एड्रेस आपको मैसेज कर देता हूँ। कहाँ मैसेज कीजिएगा मेहरा साहब, गरीब के मोबाइल का रिचार्ज भी गरीब के उम्मीद की तरह ही होता है, लगाते ही खत्म हो जाता है। हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है सर, अब तो इनकमिंग और मैसेज आना सब बंद हो गया है, कहाँ मैसेज कीजिए? आप ना सर बोल दीजिए, हम ना लिख लेते हैं सर। हाँ, लिख लो। हाँ।
तुमने तो कहा था ये देख नहीं सकती। वही तो। क्या वही तो? भगवान जब किसी इंसान में एक कमी छोड़ता है तो दूसरी समझ गया, दूसरी शक्ति देकर सारी कमी पूरी कर देते हैं। जी लेकिन एक सवाल है, ये नाक से पेपर कैसे देख ली? देखा नहीं, सुना। नाक से? आप समझे नहीं, बैठिए बैठिए हम समझाते हैं। वो क्या है ना कि भगवान जब इनके आंख ले लिया तो उसके साथ साथ नाक दे दिया और कान भी दे दिया, दो दो शक्ति दे दी। भगवान ने माता जी को शार की तरह नाक के साथ साथ लोमड़ी वाले कान भी दिए, और हर पेपर तो यहीं पर फड़फड़ा रहा था इसीलिए माता समझ गई। इसे पेन 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 दीजिए, पता लिखना है। एक 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 ये गलत पेन दे रहा है ये। हाँ पता लिखी जी, बनवारी स्टेट रोड हनुमान चौक। आए हाय पेन टूटा। सुनी 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 ना सुनी कड़ाक फिर बोली, क्या पेन तोड़ दिए भाई? माफ कर दीजिए मेहरा साहब, वो क्या है कि चार दिन से खाना छह दिन से खाना नहीं खाया ना, इसलिए चक्कर आ गया, तो उसी चक्कर में ही सब हो गया। माँ मेरा लल्ला। रोइए मत प्लीज। हाँ वही तो, एक पेन अगर टूट गया तो क्या होता है, इनकी जेब में दूसरा पेन भी तो है, उसे लिख लेना। एक बात बताएं मुझे, आपको कैसे पता कि मेरी जेब में पेन रखा है? कैसे पता ना, इस बार तो आप ही बताइए कैसे पता, आपकी शक्तियां हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता है, बताइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप माता के भक्त हैं और सरस्वती माँ भी तो एक माँ ही है, तो जाहिर है आप सरस्वती माँ के भी भक्त हैं। अब सरस्वती माँ के भक्त के जेब में पेन नहीं होगा तो क्या कटहल होगा? ऐसे ऐसे आ रहे थे हम। अब माता जी क्या है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये पेन दे नहीं सकता क्योंकि बहुत ही भाग्यशाली पेन है, और कहीं इन्होंने इसे भी तोड़ दिया तो? आपका कहना भी एकदम सही है, तो आप इसको मत दीजिए, आप हमको दे दीजिए, हम लिख लेते हैं। मानते हैं हम देख नहीं सकते मगर हम लिख जरूर सकते हैं, बड़ी मेहनत से ये कला हासिल की है हमने। ये लीजिए लीजिए लीजिए। लिखिए बनवारी स्टेट हनुमान चौक। मेरा साहब उस तस्वीर में आपके धर्म पत्नी कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं आपकी धर्म पत्नी जी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माता जी हैं, अपने समय की बहुत बड़ी नृत्यांगना थी ये, कथक डांस करती थी ये। अच्छा अच्छा हिप हॉप नाच रही हैं। हाथ सैनिटाइज कर रहे हो तो जिंदा हो तुम, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हो तो जिंदा हो तुम। वेरी गुड, गुड जॉब करिश्मा सिंह, हमें लगा नहीं था कि आप इतनी अच्छी अदाकारा भी हैं। एक मिनट के लिए तो हम ही भूल गए थे कि हमारा सारा झगड़ा झूठ मूठ का था। तो मतलब अभी अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब नाटक था। आपको हमें बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रही, मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हैं आप, बताइए हमें। जानना ही है तो सुनिए,
आप जानती हैं अभी डॉक्टर विकास से हमारी फोन पर क्या बात हुई? जोया के लिए कोई डोनर नहीं मिला, उस पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा, उसे जिंदा रखना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में उसे चाहिए एक वजह जिसके लिए वो फिर से जीना चाहे। याद है दवाइयां खत्म होने के बावजूद यहां थाने आकर जोया कितनी खुश हो गई थी, खिलखिलाकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी आधी तकलीफ तो बस यहां आकर ही खत्म हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि यही वो जगह है करिश्मा सिंह जहां वो आना चाहती है, यही करना चाहती है, यही बनना चाहती है। और इसलिए हम जोया को यहां बुला रहे हैं ताकि थोड़ी देर के लिए से ही वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाए, फिर से खुश हो जाए। और तब तक हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए उसके लिए कोई और डोनर ढूंढने का, उसकी जिंदगी बचाने का। करिश्मा सिंह, हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, एक मासूम सी जिंदगी बचाने की कोशिश। अगर इसमें भी आपको हमारा कोई मतलब नजर आ रहा है तो फिर, अगर इन सब से जोया को थोड़ा भी खुशी मिलता है तो हम आपके साथ और हमें माफ कर दीजिए। तो बस फिर जैसे ही जोया थाने में आई हमने अपना फेक इनकाउंटर कंटिन्यू रखा। क्या बात है, पहले पता होता तो दोनों हसीनाओं का फेक झगड़ा रिकॉर्ड कर लेते। क्यों? लेकिन इस फेक झगड़े का नतीजा तो आप सब देख ही रहे हैं। जोया बहुत खुश और सेहतमंद नजर आ रही है। वो तो अच्छा ही हुआ है, पर करिश्मा मैडम ने जो वो मैडम सर को पर्सनल ताना मारा था ना शादी के बारे में, वो नहीं कहना चाहिए था। फ्लो फ्लो में निकल गया हमसे, सॉरी मैडम सर। इट्स ओके, तजुर्बा कहता है हमारा कि सच हमेशा गुस्से, मजाक और फ्लो फ्लो में निकल ही आता है। पर मैडम सर, आपको कैसे पता कि जोया करिश्मा मैडम का ही नाम लेगी? संतोष, भले ही हमारी शादी नहीं हुई है लेकिन ये हम अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद है। एक बात पूछूं मैडम, सच सच बताओगे वो शादी वाली बात फ्लो फ्लो में निकल गई या? बहुत टाइम से कहना चाह रहे थे, मौका मिला कह दिए। खुश? हाँ। मास्क पहन के घूम रहे हो तो जिंदा हो तुम? पता है। हाँ जी माता जी, एड्रेस लिख लिया ना? आ दीजिए, पेन दे दीजिए। अरे कितना अच्छा पेन है, हमने जैसे ही इस पेन को हाथ लगाया ना ऐसा लगा जैसे सरस्वती माता की वीणा है ये। काश ये पेन हमारा होता, मगर कोई बात नहीं, ये रख लीजिए आप। अरे माता जी ये क्या, पेन गिरा दिया। आय हाय, पेन गिर गया, हम उठाते हैं। अरे एक मिनट, हम उठा दे रहे हैं मेरा साहब, हम है ना, हम उठा दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम उठाते हैं ना। माँ उठा देते हैं। माँ तुमको भी अपने आप, चलिए छोड़िए, मैं उठाता हूँ। नहीं नहीं, हम उठाते हैं, उठा लेंगे वो। अच्छा 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 ठीक है, चलिए एड्रेस लिख लिया आपने ना, आप चलिए क्लिनिक पहुँचे। दरअसल मुझे एक जरूरी मीटिंग है, उसमें जाना है। हाँ जय माता दी। जी जी, दूसरा वाला पेन का है जी, हमारे पैरों के नीचे। कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम, पेन उठा। अरे किसका? मेरा का पेन लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अपना पेन है। हम लोग का पेन है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा का पेन है, मेरा का पेन है, मेरा का पेन है। काम हो गया, चलिए निकल। जय माता दी। जय। अरे माता जी आपको ये पेन चाहिए था ना? माता जी नहीं नहीं, मैं पेन देने के लिए, आपको ये पेन बहुत पसंद है ना, आप रख लीजिए। इनको जरूरत नहीं, ऐसे ही बोलती रहती है ये। जरूरत है माता जी, अब मेहरा के घर से कोई खाली नहीं गया आज तक। लीजिए रख। अरे लीजिए लीजिए, मुझे मीटिंग में जाना है। नहीं मेहरा साहब, पेन का। जय जय माता जी, हमको ये नहीं चाहिए। यही है मैडम सर, यही है सारे फसाद की जड़। अरे इनके हाथ जोड़े, पैर जोड़े, इनको इतना समझाए कि पुष्पा जी मत कीजिएगा, लेकिन नहीं बेटा, पेन पकड़ा दे बेटा, जूस पकड़ा दे। अरे ऐसा ओवर एक्टिंग किए,
मैडम क्या बताएं, हम आपको ऐसा ज्वालामुखी फटाया ना इनका ओवर एक्टिंग का, सारा प्लान कमाब हो गया। हमें पता है चीते। हाँ हाँ इनको तो सब पता है, मगर चीते बचाया भी हमने ही है तुमको, समझ गए ना? मैडम सर अगर समय रहते हम वो पेन हमारे पैर के नीचे नहीं छुपाते ना, तो अब तक तो वो मेहरा का बच्चा हमारा पकौड़ा बना के तल रहा होता कढ़ाई में। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, लेकिन ये सब इतना ओवर एक्टिंग करने के लिए आपको कहा कौन था? इनको कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। कौन कहा था पेन के बारे में इतना तारीफ करने के लिए आपको? पेन नहीं है, सरस्वती माँ के हाथ में पड़ा हुआ बीना है। कौन कहा था आपसे ये सब बोलने के लिए मैडम, बताइए ना आप हमको। दो मिनट में सारा प्लान का अंतिम संस्कार हो गया, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या बैठ के बचा मंजीरा हम यहाँ पर। तुम पहले अपने बाल ठीक करो, आप लोग जो कर रहे हैं ना ये दुनिया का सबसे आसान काम है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। अब ये सब छोड़िए और ये सोचिए कि इस मिशन को अब कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं बताऊं? जरूर, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही। ए जोया बेटा, आप कब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, हमको तो पता ही नहीं चला। आज ही से ड्यूटी ज्वाइन की इन्होंने। ये है यहाँ की नई सब इंस्पेक्टर, आपकी सीनियर, आप सब इनके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। Is that clear? Yes, madam. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. उम्मीद है कि आप फिर से कोशिश करने का मतलब समझ ही गए होंगे। एक मौका तो हम गवा चुके हैं, लेकिन एक मौका अब भी है हमारे पास। कल मेहरा ने पुष्पा जी को बुलाया है ऑपरेशन के लिए, और ये मौका हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। पुष्पा जी, कुछ भी करके हमें मेहरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना ही होगा। अरे मैडम सर, वो सब तो ठीक है, मगर हमको तो डर इस बात का लग रहा है कि हमारे कुछ करने से पहले उन्होंने हमारी दोनों किडनियां निकाल ली तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, करिश्मा जी आपके साथ होंगी, उनकी नजर हर वक्त आप पर ही होगी। तब तो वो हमारी दोनों किडनियां निकाल के बेच के भी आएगी। मैडम सर अगर हम चले गए तो फिर ये जो चार्जशीट है इसका काम कौन करेगा? हमारी नई सब इंस्पेक्टर जोया, ये संभालेंगी आपका काम, है ना? बिल्कुल, आप जाइए मिशन पे करिश्मा दीदी, मैं आपका काम अच्छे से संभाल लूंगी। जी हाँ डॉक्टर विकास, मिला कोई डोनर? जोया कैसी है? नॉट गुड, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, मिला कोई डोनर? नहीं हसीना जी, कोई डोनर नहीं मिला। और अगर अगले 24 घंटे में भी कोई डोनर नहीं मिला और जोया का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो हम जोया को खो देंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि किसे क्या करना है, पर फिर भी क्योंकि मैडम सर चाहते हैं कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सवाल ना रहे और हम सब एक ही पेज पर हैं, इसीलिए मैं प्लान दोबारा रिपीट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि किसे क्या करना है। चीता और पुष्पा जी मेहरा की क्लिनिक जाएंगे, जहाँ मेहरा का मेडिकल स्टाफ पुष्पा जी की किडनी निकालने की कोशिश करेगा। ये पेन आप दोनों के साथ रहेगा, इसमें माइक्रोफोन फिट है, ये माइक्रोफोन इस लैपटॉप के जरिए कनेक्टेड है, वहाँ की गई सारी बातें इस लैपटॉप के जरिए यहाँ पे सुनी जा सकेंगी। ऐसा ही एक और पेन है जो करिश्मा मैडम के पास होगा, जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है या फिर पुष्पा जी को मेहरा के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया या फिर पुष्पा जी और चीता की जान को कोई भी खतरा है, तो करिश्मा मैडम वहाँ फौरन पहुँचेंगी और सब संभालेंगी। तब तो बच्ची हमारी जान। So don't worry, Ubota completely safe. अरे जान का किसको पड़ा है संतु जी, जान तो ही थाना में छोड़ के जा रहे हैं। अरे ये चीता तो पागल है, इसका तो ऐसे ही चलता रहेगा। संतु जी आप मुझे प्लान बताओ,
तुम्हारी मैया की गंगा मैया, तुम कहां से प्लान के बीच में आ गए बे? बिल्लू द स्पाई। साले बिल्ला कहीं का क्या का? नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही जिम में। हाँ देखिए आप ना बस समय पर आना बेटा। बेटा बेटा बेटा, देखो हमारी कोई भी बात अगर तुमको बुरी, आपको बुरी लगी हो तो हम माफी मांगते हाँ, मगर वक्त पर पहुंच जाना हाँ। आपका तो कहना है कि हमसे कुछ काम ढंग से होता ही नहीं है। किसने कहा? आप ही कहती हैं। वो तो हम संतू के लिए कह रहे थे। अरे मुंह काला हो जाए, मुंह में कीड़े पड़े ऐसा कहने वाले के। हम तो बहुत मानते हैं आपको, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं, हमने मोती दान किए होंगे जो आपकी जैसे बहू मिली हमको। मैया कसम हम तो फैन हैं आपके। हाँ सही कह रहे हैं। मन में कुछ मैल मत रखना हा? वो हम तो सास है आपकी, माँ समान। समय पर आइएगा वरना सिर्फ समान रह जाएगा, हम माँ चली जाएगी। आएंगे ना? आएंगे। आप लोग बुरे लोगों को पकड़ने जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। वैसे इस बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप सीनियर हैं और सीनियर सिर्फ ऑर्डर देते हैं। करेक्ट, बताइएगा क्या ऑर्डर है। ठीक है ऑफिसर करिश्मा सिंह, आप जाइए और सारे बदमाशों की छुट्टी कर दीजिए, किसी को भी मत छोड़िएगा। जी मैडम सर। काश हमारा सीनियर भी आपकी तरह होता। अरे बिल्लू जी, नकली गन से डर के कहाँ भाग रहे हो? एक मिनट जोया, ये अभी क्या किया आपने? बैटमैन था, चोर था, इसलिए पकड़कर पनिशमेंट दे दी। यहाँ ये गंदो गंदो गंदे दो। देखो आपने बैडमैन को पकड़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी इम्प्रेस्ड, यही तो पुलिस का काम है। लेकिन आपने जिस तरह से उसे पनिश किया ये हमें सही नहीं लगा। अब ये देखो, ये क्या है? रस्सी। रस्सी, अब इस रस्सी को अगर हम इस तरह से उलझा दें तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर काट देना चाहिए? अगर हम इस तरह से इसे धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करेंगे तो ये इतनी लंबी रस्सी बहुत सारी चीजों में हमारे काम आ सकती है ना? लेकिन अगर हम परेशान होकर जहां से ये उलझी हुई है अगर वहां से उसे काट दें तो फिर तो छोटे छोटे रस्सी के टुकड़े हमारे क्या काम आएंगे। तो अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, आप इसे सुलझाने की कोशिश करेंगी या फिर यहाँ से काट देंगी? सुलझाना चाहिए। करेक्ट। अरे सोफा कहाँ गया? कोई नहीं यहाँ पर पुष्पा जी। हम कह रहे हैं तुमसे, अगर ये तुम्हारी करिश्मा मैडम समय रहते नहीं आई ना तो हम तो आज उनकी जान ले लेंगे। जान लेने के लिए आप जिंदा रहिएगा तब ना। ओके ऑल गुड, इस पे सुनाई देगा? इस पे सुनाई देगा मैडम सर।
पुष्पा सिंह? हाँ ये है। आप कौन? हम पुष्पा सिंह हैं। आप नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। तो हम ही तो बता रहे हैं ना आपको, हम पुष्पा सिंह हैं। अरे पुष्पा सिंह ये है ना। पुष्पा जी कहीं पे निकाह है, कहीं पे निशाना वाला केस लग रहा है। ये जो हमसे बतिया रहे हैं तो आपकी तरफ देख रहा है, जो आपकी तरफ देख रहा है तो हमसे बतिया रहा है, ठीक है? अरे भाई डिसाइड कर लिया कि कौन है पुष्पा जी? ये है। ठीक है। अरे मुन्ना गुड़िया जल्दी आओ भाई, पेशेंट आ गया है। मुन्ना गुड़िया ये कौन है? हमारे मेडिकल स्टाफ हैं। तो आपने अपने मेडिकल स्टाफ में बच्चों को रखा है मुन्ना और गुड़िया? अरे माता जी अभी आ रहे हैं, खुद ही मिल लीजिएगा। मुन्ना गुड़िया? ये है मुन्ना और ये है गुड़िया। वो संतू ने वो दिया था ना ऑपरेशन थिएटर में रखने के लिए, वो रखा नहीं। कुछ करना तू। सर हमको बहुत जोर से नहीं से बाथरूम आ रहा है सर, कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम जाकर आते हैं। अच्छा ठीक है। जी सर। इधर ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा तो बाथरूम किधर है? बाथरूम बाहर है। बाहर है क्यों, अब नहीं जाना? अरे अंदर का काम बाहर करके क्या ही कर लेंगे हम। अच्छा ठीक है चलो फिर ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अब तक तो कोई सबूत ही नहीं मिला है। हाँ जी मैडम सब बढ़िया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे चड्डे? मुझे पता है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, पर हसीना मैडम को इतना यकीन था तो उनके यकीन पे यकीन करके मैं भी यहाँ पे आ गया। एक बार ना हम थोड़ा सा ना मेहरा साहब को फोन कर लेते, बड़ा एहसान है उनका हम लोग पर। हेलो मेहरा साहब। क्या भाई चतुर्वेदी, जय माता दी, सब ठीक चल रहा है ना? जी सब, ऑपरेशन होने वाला है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद कहना चाहते हैं आपको सर। अरे नहीं भाई, जय माता दी, हमने क्या किया, सब माता रानी की कृपा के खाते में समझो। फोन हमारे मैनेजर मनोहर को दे दीजिए, जरा जरूरी बात करनी है। जी थैंक यू लीजिए बात कीजिए। मनोहर? हाँ मैम। लीजिए मेहरा साहब बात करेंगे आपसे। हाँ हेलो मेहरा साहब। हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर अब? अभी तक सबूत तो छोड़, सबूत की हवा तक हाथ ना लगी हमको। कुछ कर जीते वरना हमारी जान तो चली जाएगी। कुछ कर जीते, कुछ कर। एक मिनट सोचने दीजिए हमको कुछ। हाँ जी हाँ मैं सब संभाल लूंगा जी। चलो। अरे मैडम क्या कर रहे हो? सर एक सेकेंड बैठिए ना सर। सर क्या है ना कि हमारी माता जी जो है ना थोड़ी सी अंधविश्वासी है। हाँ अंधविश्वासी है हम। माता जी के इसे ज्योतिष बाबा ने ही कहा है कि अगर उनका ही ऑपरेशन 11:15 पे हो ना, मुहूर्त सर बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो हाँ तो बच तो गए 11:15। कहाँ बजे सर, कहाँ बजे? ये देखो सर आपका खड़ी भी आप ही की तरह है, बस कुछ और है, बता कुछ और है। हम कह रहे हैं बज गया। नहीं बजा सर, 15 बाकी है अभी। तुम्हारी घड़ी में नहीं बजा लेकिन हमारी घड़ी में तो बज गया ना। नहीं बजे। हम कह रहे हैं बज गए हैं। अरे नहीं बजे हैं। अरे आप देखिए तो सही, 11:15 बज गए। अभी 15 बाकी है। बज गया। अभी तक नहीं बजा सवा नहीं बजा, अभी सिर्फ 11 ही बजे हैं। अंधे को भी दिखाई देगा 11 बजे हैं और आपको गड़बड़। इसका मतलब ये देख सकती हैं। मैं तो देखते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। टीपे चल भाग चलते, पकड़ो इन्हें। अरे जा कह रहे भैया बचाओ। मुन्ना चेक करो इसे। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी तो छोड़ो। मिल गया। हुआ क्या?
हमसे चालाकी, हमें ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा है हमें? इस वाले कान से सुनो। ये तो सारा भांडा फूट गया, सब कुछ पता चल गया। गुड़िया चश्मा उतारो इसका। अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, हमसे चालाकी करने चली थी, अब हम इसकी किडनी के साथ साथ आंखें भी निकालेंगे। बचाओ! अरे कोई है? छोड़िए हमको, छोड़। बचाओ! कोई है? अरे बचाओ! ना 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 माताजी, डरने की कोई बात नहीं, सब आसान है। मैं एक इंजेक्शन दूंगा, आप बेहोश हो जाओगी, उसके बाद मैं आपकी किडनी और आंखें निकाल लूंगा, फिर आजाद यहां से भी और इस दुनिया से भी। पीछे हट, नहीं तो इतना पीतल डाल देंगे सबकी बॉडी में कि पोस्टमार्टम में सिर्फ पीतल पीतल निकलेगा। हटो पीछे, लाइन में लगो। छोड़ो छोड़ो हमको। ए, ए, हम चड़ा। जानते थे हम चड़ा। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना? अबे छोड़ ही नहीं सकती ना कोई भी मौका हमसे बदला लेने का। क्या मम्मा क्या बोल रही हैं आप? हाँ तो एक सेकंड और लेट हो गए होते ना तो हम तो यहाँ लेटे लेटे हमेशा के लिए लेट गए होते। अरे पुष्पा जी टाइम लगता है पहुँचने में, कोई सुपर वुमन थोड़ी ना जो दुपट्टा लहराते हुए यहाँ आ जाते हम। अरे हाँ हाँ सब जानते हैं क्या चल रहा था आपके दिमाग में। हाँ जान बूझ कर लेट आई आप ताकि इन लोगों के हाथों मरते ना मरते अपने दिल के दौरे से जरूर मरते। हाँ तो किसने कहा था जेम्स बॉन्ड बनने के लिए थाने में बैठ के आराम से शांति से चाय नहीं पी सकती थी आप? अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है आप बताएंगे हमको? हाँ तो आप भी हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और तुम चड्डे चड्डे तुम्हें केस रिकॉर्ड करने के लिए बोला, हमको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोला। उधर जाओ। यस मैडम। अरे मैया की गंगा मैया। कहाँ भाग रही है? लगता है इंजेक्शन का असर हो रहा है। पकड़ लिया कहाँ भाग रही है? हाँ? क्या करना चाहिए? हम हेड कांस्टेबल जरूर हैं, मगर हम काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ। तो ये जो तुम गलत काम कर रही हो ना, माना कि पैसों के लिए कर रही हो, मगर इससे तुम्हारी मन की शांति जा रही है। तो ये गलत काम छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारे बाल कैसे चमचमा उठेंगे। हाँ। और हम बता देना नुस्खा बताते हैं। हाँ। तुमको मगर ये जो कौन है? क्या मैडम गन नीचे रखिए। आप सोच क्या रही है मैडम? आगे बढ़िए और गिरफ्तार कीजिए इस शैतान को, हमारी चिंता मत कीजिए, अपना फर्ज निभाइए। रखिए गन नीचे। पता था हमको, पता था। आज तक हमारी कौन सी बात मानी है आपने जो आज ये बात मान लेती? कोई मौका मत छोड़िएगा सुनाने का, यहाँ भी सुना रही हैं आप हमें। आप भी कोई मौका मत छोड़िएगा हमें नीचा दिखाने का। कब 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 हम कब नीचा दिखाया आपको पुष्पा जी? तो आप क्या कर रही हैं?
हमारी जान बचाकर हमें नीचाई तो दिखा रही हैं आप, हाँ? ताकि जिंदगी भर हमें ताने मार सके कि उस दिन अगर हमने हमारी बंदूक ऐसे नीचे नहीं रखी होती ना, तो आज आपकी फोटो पे माला लगी होती। सॉरी सॉरी, ये लीजिए। अरे ये सब क्या नौटंकी चल रही है? ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? सास बहू हैं ये लोग, ये लाइफ में। रिपोर्टर साहब, अपनी आप रिकॉर्डिंग चालू रखिएगा, लेकिन हाँ एक शर्त है, रिकॉर्डिंग तुम्हें एक टांग पे खड़े होकर करना है। चल स्टार्ट। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बांधो सबको, सबके सबको बांध। मैडम सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और नहीं संतोष, आप यहीं पर रहिए, जोया के साथ रहिए। मैडम सर नर्स है जोया का ख्याल रखने के लिए, वहां आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा ठीक है, आप चेंज करके आए हो, चलिए जल्दी जल्दी। दो मिनट में आती हूं। चलिए। क्यों भाई, जय माता दी। तुम्हें क्या लगा था रामलीला वाले एक्टरों से घटिया एक्टिंग करवाकर मेहरा को फंसा लोगे? सुना सुना, हम वो चीते के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं। एक्सक्यूज मी, सर कहीं पुलिस तो नहीं है? अरे पुलिस एक्सक्यूज मी बोल के आती है क्या? तुम इन लोगों को संभालो, मैं देखता हूं। हाँ जी बताइए। जी हम हैं ओजा साहब की सेक्रेटरी पल्लवी और ये है हमारी सेक्रेटरी संतोष। हम ओजा साहब का ऑर्डर कलेक्ट करने हैं, जल्दी करिए प्लीज। हरी अप प्लीज, आप बैठिए 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 प्लीज बैठिए। ओके okay. आप ऑर्डर लेने आए हैं? क्यों आपको शक है? देखिए चाहे तो आप आहूजा साहब को फोन करके कंफर्म कर ले, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। अब देखिए मैडम क्या है, इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी डिलीवरी, आहूजा साहब को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, एक एक हफ्ते का वक्त। अब देखिए क्या है ना, हमारे देश में गरीबी लाचारी ये सब तो है ही, कोई ना कोई तो मदद मांगने आएगा ही। दबोच लेना है और किडनी निकाल दूंगा, निकाल कर आहूजा साहब के चरणों में समर्पित कर दूंगा। हो ये मेहरा की जबान। ठीक है, वैसे भी हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। क्या तुम्हारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं? रिकॉर्डिंग वाला स्पेक्स, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस इंस्पेक्टर हसीना मलिक, कहाँ है हमारी टीम? हेलो मैडम सर, आगे मैडम सर, मैडम सर, मैडम बोलो इन्हें, गन दो अपनी। खोलो इन्हें, खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रही हूँ, खोल रही हूँ कि बांध रही हूँ हमको फिर से? रस्सी नहीं खोला तुमने? मैडम सर ये आहूजा कौन है? हमने सबके फोन सर्वेलेंस पे रखे थे, आप दोनों का फोन टैप हो रहा था। हेलो मेहरा साहब। क्या भाई चतुर्वेदी, जय माता दी, सब ठीक चल रहा है ना? जी जी जी, थैंक यू, थिंगली जी बात कीजिए। मनोहर। हाँ हेलो मेहरा साहब। अरे ये आहूजा ने नाक में दम कर रखा है, 5 किडनी का ऑर्डर लिया था, अब 50 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए, अब उसका कहना है कि आज की आज ही डिलीवरी दो। अब कैसे होगा, ये सब काम में टाइम लगता है। अच्छा फिर अब? हाँ सुन, वो माताजी के साथ जो लड़का आया हुआ है ना, उसे पेट दर्द का दवाई जूस में मिला के पिला दे, और कहना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 2 किडनी तो अभी मिल जाएगी। बात आके आगे देखते हैं। चल तुम वहां पहुंच, मैं भी जल्दी पहुंच रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जय माता दी। कमाल है मैडम सर, बड़े बेशरम लोग हैं ये, मतलब हमारा किडनी बेचने से पहले एक बार
संतू जी के बारे में भी नहीं सोचा। हेलो मैडम सर, वो जोया, क्या हुआ जोया को? वो मिल नहीं रही है। ऐसे कैसे नहीं मिल रही, थाने में ही तो थी। हसीना मैडम, जोया आप यहाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, आप अपनी जगह पे बने रहो। रिपोर्टर साहब, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये लीजिएगा। इंस्पेक्टर साहिबा, वो जो आप चश्मे में मेरी फिल्म बना रहे हैं ना, वो मुझे दीजिए। मैंने कहा मुझे दीजिए। ना ज्यादा होशियारी नहीं, वो मेमोरी कार्ड जो रखी ना, वो मनोहर लेके चल। करिश्मा सिंह रुकिए, कितनी चुराता है बक्साला। करिश्मा सिंह रुकिए, रुक जाइए इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, इट्स एन ऑर्डर। जोया ये वही है जिन्होंने आपके पापा का किडनी चुराया, आप अब भी चाहती है कि हम रुक जाएं? हाँ ऑफिसर करिश्मा सिंह, हम आपको अब भी रोकना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस का काम क्राइम खत्म करना है, क्रिमिनल्स को नहीं। हमें जस्टिस में बिलीव रखना चाहिए, पनिशमेंट में नहीं। चीते, पकड़ इसको, पकड़, चल, 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 चल। जोया, 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 जोया। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज डू समथिंग इमीडिएटली, शी नीड्स एन ऑपरेशन। I'm sorry ma'am, पर ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकते, कोई डोनर नहीं मिल रहा है का? डोनर तो मिल गया, लेकिन ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब आप ही? जी हाँ, अब हमें जोया को ऑपरेशन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जोया को मैं अपनी किडनी दे रहा हूँ। सारा पेपर वर्क हो गया है, बस ऑपरेशन के लिए ही निकल रहे हैं। मैंने दूसरे बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर सिंह को इस ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया। ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड द बेस्ट पार्ट, ही इज डूइंग दिस ट्रांसप्लांट फॉर फ्री। एक बात बताइए डॉक्टर विकास, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ हसीना जी, आप जैसे न जाने कितने पुलिस वालों ने इस लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी निभाई और निभा रहे। आपके खुद के महिला पुलिस थाने ने इस लॉकडाउन में न जाने कितनी जिंदगियां बचाई, जान तो आप लोग ने भी दांव पे लगाई ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब क्यों और किस लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि फर्ज जिंदगी से बढ़कर है। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं, लफ्ज ही नहीं मिल रहे हैं आपसे कुछ भी कहने के लिए। फरिश्ते को देखा तो नहीं है, पर यकीनन आप जैसा ही होता होगा। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप बस अपना और जोया का ख्याल रखिएगा, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। जी जरूर, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जोया कुछ साल बाद ना फिर से थाना आना, लेकिन इस बार असली यूनिफॉर्म पहन के। जहां कहीं भी होंगे ना, उस दिन का इंतजार जरूर करेंगे। अच्छा तो अब बताओ सोया, किनकी जैसी पुलिस ऑफिसर बनना चाहोगी, करिश्मा मैडम की तरह या हसीना मैडम की तरह?
मैं ऐसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी जिसको देख के आप दोनों को और सबको प्राउड फील हो। वाह, स्मार्ट आंसर। डॉक्टर विकास, आपने जोया के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए इतना तो बनता है। ये हम सब की तरफ से।